Okay, G, let's start from today's lecture. It's about offshore basin. कल भी हमने थोड़ा सा इसको डिस्कस किया था. थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दोबारा से देख लेते हैं ताकि नेक्स्ट जो है तो वो आसानी हो आपको समझने में. ऑफशोर बेसन है, पहले हमने बलूचिस्तान बेसन को डिस्कस किया, उसके बाद ऑफशोर बेसन है. आपको बताया था कि जो मेन इसका जो पॉइंट है जो इसकी डिवीजन करता है ऑफशोर इंडस में और मकरान बेसन में या मकरान ऑफशोर में, दैट इज मुरे रिज. देर इज अ टिपिकल एक हमारे पास फीचर है, इसको मुरे रिज कहते हैं और ये इन दोनों के बीच में है. ये जो एरिया है ये एक को इंडस ऑफशोर मकरान ऑफशोर है, हाईली अंडर एक्सप्लोर्ड बेसन है ये. उसके बाद हमारे पास जो रिजर्वायर टारगेट्स हैं मायोसिन सैंड्स भी हैं और हमारे पास कार्बोनेट प्लेटफॉर्म भी हैं. यहाँ पे जो मेजर रिस्क इन्वॉल्व है दैट इज ऑफ पेट्रोलियम सिस्टम, द एग्जिस्टेंस ऑफ कंप्लीट पेट्रोलियम सिस्टम. आपको बताया था कि पेट्रोलियम सिस्टम में जितने उसके एलिमेंट्स हैं अगर कोई एक भी वहां पे अगर मिसिंग हो तो वो अनसर्टिनिटी ऑफ द एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन जो है तो वो इनहांस हो जाती है. हमारे पास कंप्लीट एक पेट्रोलियम सिस्टम का होना दैट इज एसेंशियल फॉर एक्सप्लोरेशन पर्पस. और कुछ रिजर्वायर्स की क्वालिटी है और नेक्स्ट जाके हम देखेंगे कि यहाँ इन एरियाज में जो फेलियर है वो क्यों होता है. ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक जो पाक कैन वन था एक वेल, उसमें कुछ उसने गैस प्रोड्यूस की थी लेकिन वो भी एक नॉन कमर्शियल डिस्कवरी थी. नॉन कमर्शियल मीन्स के उसकी जो कंसंट्रेशन थी या क्वान्टिटी थी वो बहुत ही कम थी, जिसकी वजह से उसको नॉन कमर्शियल कार दे के हमने अबंडन कर लिया. उसके बाद यहाँ पे रिस्क इन्वॉल्व है, बहुत सारे इश्यूज हैं और इतना ज़्यादा हमारे पास इसका डेटा नहीं है. 2D साइजमिक तो कुछ एरियाज में हुआ है लेकिन 3D साइजमिक अभी तक नहीं हुआ, इसलिए ये तमाम फैक्टर्स मिलके इसको एक अनअट्रैक्टिव या अनइकोनॉमिकल एरिया बना देते हैं. रिसेंटली लास्ट ईयर जो हमारे पास केकड़ा वन वेल ड्रिल हुआ था उसकी वजह से एक हाई क्रिएट हुई थी, लेकिन वो भी एट द एंड ऑफ द डे उसमें से हमें भी कुछ नहीं मिला. लेकिन हमारे पास ये जो फेलियर होता है ये हमें इसका एडवांटेज ये होता है कि हमें कुछ ना कुछ सबसरफेस की इंफॉर्मेशन दे देता है, नेक्स्ट टाइम हम उसको बेटर वे में जो है तो वो पहले से हम देख लेते हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं वो नेक्स्ट टाइम जब हम काम कर रहे हों तो उनको मलूज़े खाता रखा जाए. ठीक है, दीज पिक्चर्स वर टेकन फ्रॉम पेपर दैट इज़ अ रीसेंट पेपर ऑफ खान एट अल 2020. ये कुछ पिक्चर शो करता है कुछ एरिया है वहाँ का जो हमारे पास ऑफशोर इंडस बेसन का मैप है, उसके बाद उसकी कुछ टेक्टोनिक फीचर्स जो है तो वो नज़र आ रहे हैं, कुछ ये साइजमिक लाइन्स हैं. ठीक है, यहाँ पे भी 2D का जो सर्वे है इन एरियाज में कुछ ना कुछ हुआ है, बहुत सारे वेल्स हैं जो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास साइजमिक 2D लाइन्स के ऊपर हैं. तो ये हमारे पास जो एक फ्रैक्चर जोन है इसको कहते हैं ओवन फ्रैक्चर जोन कहते हैं, दैट इज बेसिकली अ ट्रांसफॉर्म फॉल्ट इन द नॉर्थ वेस्ट इंडियन ओशन एंड दैट फॉल्ट जस्ट सेपरेट्स द अरबियन एंड अफ्रीकन प्लेट फ्रॉम द इंडियन प्लेट. ठीक है, उसके बाद ये बाकी एरियाज हैं जो इससे काफी ज्यादा फार अवे है और ये सारे जितने भी वेल्स हैं दे आर अबंडेंट आइलैंड गैस वेल्स हैं. ये जो पिक्चर है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन ऑफशोर एंड ऑनशोर स्ट्रेटिग्राफी ऑफ द ऑफशोर इंडस बेसिन. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो एरिया है ऑफशोर का एरिया है, इसमें हमारे पास अगर देखें तो इट्स अ पार्ट ऑफ द पश्चिम मार्जिन. ओके, और इसमें शुरू में जो हमारे पास जब इंडियन प्लेट दैट गॉट सेपरेटेड फ्रॉम द मेडागास्कर, सो वहां पे हमारे पास ड्रिफ्टिंग रिफ्टिंग का फेनोमेना था, देन इट ड्रिफ्टेड टूवर्ड्स नॉर्थ, दैट वॉज फेनोमेना ऑफ ड्रिफ्टिंग. सो वहाँ पे हमारी जो प्लेट थी इसने
रीयूनियन हॉटस्पॉट जो एक्टिविटी थी उसको भी क्रॉस किया, तो उसकी वजह से हमारे पास ये जो डेकन ट्रैप्स हैं या डेकन वॉल्केनिक्स हैं उनका भी बड़ा इन्फ्लुएंस है, इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं वह यहाँ पे इंटेंसिव वॉल्केनिक एक्टिविटी थी इस एरिए में। उसके बाद हमारे पास ओलिगोसीन है, मायोसीन, आपको बताया कि यहाँ पे पहले से टारगेट्स हैं हमारे पास, ये फॉल्स वर आप देख सकते हैं, और ये कुछ वेल्स हैं जो बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ तक उनकी एक्सटेंशन कहाँ तक थी। उसके बाद अगर ऑनशोर की तरफ हम आए तो ये उसकी स्ट्रेटिग्राफी है, जुरैसिक है, क्रिटेशियस है, और हमारे पास कुछ आइसोलेटेड कार्बोनेट प्लेटफॉर्म्स हैं। उसके बाद इंडियन एंड यूरेशियन प्लेट की क्लोइन हो चुकी थी। उसके बाद ये जो एरिया है ट्रांसपर्सिव मार्जन का एरिया या इसको बेसन इन्वर्जन से रिलेट किया गया है, तो इसमें ये है कि इसमें पहले से जो हमारे पास फॉल्ट प्रेजेंट थे उनकी एक्टिवेशन थी, उनकी एक्टिवेशन की वजह से अभी जो आपको बताया कि कुछ हमारे पास ट्रांसफॉर्म मोमेंट्स बना थे। तो ये चीज़ें हैं थोड़ी सी अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है, ये क्रिटेशियस से लेके रीसेंट तक है। तो इस ये जो बेसन है बेसिकली इसकी दो आप फेजेस में, सर माइक को थोड़ा दूर करके बोलें सर, आपकी आवाज़ बिल्कुल ही गायब हो रही है। माइक को दूर करके बोलो। जी सर ठीक आ रही है आवाज़ ठीक आ, आपके अपने माइक में आप सही है, आप सही अच्छा है। देर आर टू फेजेस, देर आर टू फेजेस इस बेसन की जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है, हमने पहले भी इसको डिस्कस किया था, एक है हमारे पास ओलिगोसीन टू रिसेंट और दूसरी हमारे पास ईओसीन टू क्रिटेशियस है। ये दो फेजेस हैं, आगे चल के डिस्कस करेंगे कि ये दो फेजेस का इम्पैक्ट क्या होता है। ये हम मे भी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, नॉर्मली आपको इंडस्ट्री में भी जाके इस तरह के रेलिवेंट टू दिस सब्जेक्ट या रेलिवेंट टू स्ट्रेटिग्राफी आपको इस तरह के मैप्स मिलेंगे। ये आप मैन मेड भी हो सकते हैं और आपको कंप्यूटराइज यानी सॉफ्टवेयर बेस्ड आप मैप भी बना सकते हैं, जस्ट आपने इसको इंफॉर्मेशन देनी है लिथोलॉजी की और वेल टॉप्स यानी ये इसकी डेप्थ की इंफॉर्मेशन देनी है, और उसके बाद ये एक दूसरे के साथ इसको रिलेट कर देगा। तो इसका जो एडवांटेज है इस तरह के कोरिलेशन का वो ये है कि एक तो हमें पता चल जाता है कि हमारी जो फॉर्मेशन है वो किस डायरेक्शन में थिन हो रही है या थिक हो रही है, वन, एंड द सेकंड पॉइंट इज कि हमें पिंच आउट्स का पता चलता है कि कहाँ पे जाके ये जो हमारी फॉर्मेशन है ये इसके आगे इसकी एग्जिस्टेंस नहीं है, ठीक है, या वहां पे जाके पिंच आउट बन रहा है। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है जिसको एज अ एनालॉग यूज किया जाता है जब हम आइलैंड गैस की एक्सप्लोरेशन की तरफ जाते हैं, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन ऑफ सीक्वेंस स्ट्रेटिग्राफी। आप सेवंथ या एट्थ सेमेस्टर में पढ़ेंगे और सीक्वेंस स्ट्रेटिग्राफी में एक वर्ड का इजाफा किया जाएगा, दैट इज साइजमिक सीक्वेंस स्ट्रेटिग्राफी, यूजिंग अ साइजमिक सर्वे एज अ टूल टू get the idea about the architecture of the basin of the subsurface, because ye jo areas hain ya hamare paas jo lower indus basin hai wahan pe hamare paas structural stratigraphic traps ka combination hai, aur uske baad ye offshore ka jo area hai, sequence stratigraphy jo hai to wo important tool hai in cheezon ko understand karne ke liye कि हमारे पास सब सरफेस का जो जो सर्वे आता है वो साइजमिक ही है। तो साइजमिक में सीक्वेंस स्ट्रेटिग्राफी को जब हम इनकॉर्पोरेट करते हैं तो हमें जो ओवरऑल वहाँ पर जो आर्किटेक्चर होता है, जो ज्योमेट्री होती है, वाइल इनकॉर्पोरेटिंग दी बेसन ज्योमेट्री एंड इंटरप्ले ऑफ दी सेडिमेंट्स, इंटरप्ले ऑफ दी एकोमोडेशन स्पेस and interplay of the sea level changes, उन सब को यूज करते हुए हम एक मॉडल बनाते हैं जिसमें ये सारे सीक्वेंसेस वगैरह जो शुरू में हमने कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा था सीक्वेंस के बारे में और ये प्रोग्रेडेशन रेट्रोग्रेडेशन और ये जितनी चीजें हैं ये एट द एंड हमारे आयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के लिए इंतहाई जरूरी है, ठीक है। और उसके बाद हम एक मॉडल बना सकते हैं कहाँ पे हमारी रिजर्वॉयर सैंड्स हैं, कहाँ पे सोर्स है, कहाँ पे सील है, क्योंकि इन एरियाज में समवट सील की जो कैपेसिटी है या उसकी जो लीनियर एक आप कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल कंटिन्यूटी है उसका भी इश्यूज आते हैं इन एरियाज में, इसलिए इसकी जो एप्लीकेशन है वो बड़ी जरूरी है इन एरियाज को समझने के लिए।
इसको इंक्लूड करने का मकसद ये है कि आप थीसिस में भी जब काम करेंगे, थोड़ा सा आप जब इसको सब्जेक्ट को पढ़ लेंगे, तो इस तरह की चीज़ें बिल्ड करने की कोशिश करें, तो ऐसी रिसर्च हो जिसका थोड़ा सा इम्पेक्ट हो। यूजुअली हम लोग जो है तो सिर्फ पहले से जो थीसिस पढ़े होते हैं उनको फॉलो करते हैं, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग आई मस्ट से। अच्छा, ये एक है पैलियो जियोग्राफी है, थोड़ा सा कार्बोनेट जो प्लेटफॉर्म है उनको अंडरस्टैंड करने के लिए। अब ये है कि ना सिर्फ यहाँ पे इंडस ऑफशोर का एरिया यहाँ पे है, ये जो एक स्टार बना हुआ है इस एरिया में है, बल्कि हमारे पास वर्ल्ड वाइड भी इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है इसी तरह के कार्बोनेट प्लेटफॉर्म्स की। और उसमें कुछ जो है कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं कार्बोनेट्स के जो जिनमें फोरामेनिफेराज हैं, किसी में कोरल रीफ्स हैं, और कुछ जो है पैलियोसीन और ईओसीन के जो कार्बोनेट्स हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंस भी है। इसमें आपको बताया था कि जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है मैरीन ऑर्गेनिज्म की, वो इंटायरली डिपेंडेंट होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सी वाटर, टेम्परेचर और उसकी सेलिनिटी जो होती है, और सेलिनिटी ऑफ द डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स होते हैं उन पे ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। तो कुछ प्लैंकटॉनिक होते हैं और कुछ हमारे पास बेंथिक होते हैं, बेंथिक जो हमारे पास सी बॉटम पे होते हैं और प्लैंकटॉनिक जो है तो वो फ्लोट कर रहे होते हैं, तो उसमें थोड़ा सा डिफरेंस भी होता है। और समवट इनको हम रिलेट करते हैं बाद में कार्बोनेट फैक्ट्रीज से कि कार्बोनेट की जनरेशन यहाँ पे हो रही है, वो जो है कार्बोनेट फैक्ट्रीज या कार्बोनेट की जो जनरेशन है वो हमारे पास है कि जो एक तो होती है हमारे पास के सी वाटर से प्रेसिपिटेशन, और दूसरा जो है क्रिस्टलाइजेशन होती है, स्केलेटल जो हमारे पास रिमेन्स होते हैं उससे होती है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी आपको अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। ये अगेन एक वहाँ की स्ट्रक्चरल कॉन्फ़िगरेशन का मैप है। इसमें आप ये देख सकते हैं कि ये हमारे पास साइज़मिक की कुछ लाइन्स हैं और ये कुछ वेल्स हैं यहाँ पे भी हैं, और साथ में हमारे पास एक बुगर एनामली या ग्रेविटी का जो मैप है वो भी शो किया गया जो एलिवेशन वगैरह डिस्क्राइब करता है। उसके बाद ये हमारे पास आ गया एक टेक्टोनिक एलिमेंट्स हैं ऑफशोर के, और साथ में हमारे पास फ्री एयर ग्रेविटी एनामली एक दिखाई गई है। और आप मैरीन जियोलॉजी में भी पढ़ते होंगे सारी जो मैरीन की कन्फिग्रेशन है कि हमारे पास ये जो शेल्फ ब्रेक का एरिया है वो कहाँ तक है, ओशन कंटिनेंट बाउंड्री कहाँ तक है, और ये अगर आपने देखने हों तो ये जो डॉटेड लाइंस हैं ये मार्क करते हैं हमारे पास ओशन कंटिनेंट बाउंड्री। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं थोड़ा सा इसको डिटेल में देखने के लिए। ये तकरीबन हम डिस्कस कर चुके हैं इसके जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हैं के मुरे रिज है, ओवन फ्रैक्चर जोन है वेस्ट की साइड पे जो इन दोनों को डिवाइड करता है हमारे पास इंडस ऑफशोर में और हमारे पास मैकरान ऑफशोर में इसको डिवाइड करते हैं। तो इसको बेस्ड ऑन द जियोलॉजिकल हिस्ट्री या स्टडी इसको दो प्रोविंसेस में, दो जियोलॉजिकल प्रोविंसेस में डिवाइड किया गया है। एक को कहते हैं अपर इंडस ऑफशोर प्रोविंस और दूसरे को कहते हैं लोअर इंडस ऑफशोर प्रोविंस। ये जो बोथ ऑफ द जियोलॉजिकल प्रोविंसेस हैज डिफरेंट जियोलॉजिकल हिस्ट्री, वो नेक्स्ट में एक स्लाइड है मैं आपको बताऊंगा कि इसकी डिफरेंट जियोलॉजिकल हिस्ट्री क्यों है। देयर आर टू फेजेस बेसिकली इसमें इन्वॉल्व हैं। उसके बाद हमारे पास जो अपर इंडस ऑफशोर प्रोविंस है, इट्स अ पार्ट ऑफ द इंडियन प्लेट, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, पश्चिम मार्जन है, और इसमें इसमें हमारे पास इंडस फैन है, इसमें इंडस फैन है, इंडस फैन यानी ये जो डेल्टा इधर से जा रहा है वो आगे जाके एक जो टिपिकल एक डेल्टा फैन की जो शेप है वो उसको कहते हैं। उसमें इंडस प्लेटफॉर्म का एरिया है, उसके बाद ऑफशोर डिप्रेशन का है। ऑफशोर डिप्रेशन और इंडस फैन में कुछ हमारे पास जो वेल ड्रिल किए गए उसके भी हमारे पास कोई इतनी ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट नहीं है। उसके बाद लोअर जो इंडस ऑफशोर प्रोविंस है वो भी इसका पैसिफिक कॉन्टिनेंटल मार्जिन का पार्ट है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडियन प्लेट है,
और जो हमारे पास ऑफशोर इंडस में जो हमारे पास मेनली जो एक्सप्लोरेशन है वो हमारे पास जो पीछे हमने प्लेटफॉर्म एरिया देखा उस तक जो है हमारे पास रिस्ट्रिक्टेड है। अब इसकी कुछ जियोलॉजिकल बेसन एक्सप्लोरेशन हिस्ट्री देख लेते हैं कि हमारे पास कुछ 13 के करीब वेल्स ड्रिल हुए। ये केकड़ा जो था मेरे ख्याल में 16 था 2010 तक, उसके बाद ये भी ड्रिल हुआ। तो ये इसके जो टारगेट्स थे वो दिए गए हैं कि हमारे पास क्रिटेशियस टू ईओसीन तक के उसको ड्रिल किया गया। और अब आते हैं कि इसके फेलियर्स की तरफ, ऑफशोर बेसन के फेलियर्स और टू डिस्टिंक्ट जो जियोलॉजिकल फेजेस हैं उसको देखेंगे कि इसके दो जियोलॉजिकल फेजेस कौन कौन से हैं। अच्छा, जो फेलियर्स हैं, जिस तरह से मैंने पहले ही जो स्लाइड थी उसमें आपको बताया कि हमारे पास जो फेलियर्स होते हैं वो मेनली हमारा जो पेट्रोलियम सिस्टम है उसमें अगर कोई एक एलिमेंट भी मिसिंग हो या एक एलिमेंट भी कोई उसमें अनसर्टिनिटी हो तो हमारे पास एक्सप्लोरेशन का जो हमारे पास रिस्क है वो इनहांस हो जाता है, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो हम कभी भी इस एरिया में कभी एक्सप्लोरेशन या उस कोई इस तरह की एक्टिविटी नहीं करते जिसमें हमारे पास जितने भी पेट्रोलियम के एलिमेंट्स हैं उन सब की प्रेजेंस बड़ी जरूरी है, चाहे वो सोर्स है, चाहे वो रिजर्वायर है, चाहे वो ट्रैप है, चाहे वो हमारे पास इसके ऊपर सील राख है, ये सारी चीजें जो है तो हमारे पास वहां पे होनी चाहिए। तो अभी इन एरियाज में फेलियर क्या है, उसकी एक वजह है सोर्स राख मैच्योरिटी के यहाँ पे इश्यूज हैं। और उसके बाद एक जियोथर्मल ग्रेडियंट जो है जो उसका वो लो टेम्परेचर उसका ग्रेडियंट है, लो टेम्परेचर ग्रेडियंट है, उसकी वजह से भी हमारे पास जो सोर्स राख हैं उसकी मैच्योरिटी की या जो टीओसी की वैल्यूज हैं वो काफी ज्यादा लो हैं। नो डाउट कुछ एरियाज ऐसे भी हैं जहां पे जो सोर्स राख की जो टीओसी की वैल्यूज हैं वो फेयर टू गुड में लाई करती हैं, मीन वो 0.5 से ज्यादा है। तो लेकिन फिर भी कुछ एरियाज ऐसे भी हैं जिनमें हमारे पास जो सब सरफेस में जो वेल ड्रिल किए गए हैं उनमें से जो डेटा आया है उनका जो सोर्स राख की एवेल्यूएशन है उनकी टीओसी की वैल्यूज काफी कम है। इसमें मेनली जो है गजीज वगैरह की जो शेल्स हैं वो उनको एज अ सोर्स राख देखा जाता है और उनको स्टडी भी किया जाता है। तो सेकंड पॉइंट था टू डिस्टिंक्ट जियोलॉजिकल फेजेस, उसमें एक फेज है जो हमारे पास ओलिगोसीन टू रिसेंट है, दिस इज वन जियोलॉजिकल फेज, एंड द सेकंड वन जो हमारे पास क्रिटेशियस से ईओसीन तक है। तो ये दो फेजेस हैं जिसमें ये इस जो एरिया था उसकी डिफरेंट जियोलॉजिकल एपिसोड जो है तो हमारे पास डिवेलप हुए। तो बेस्ड ऑन दीज जियोलॉजिकल फेजेस वी हैव सब डिवाइडेड द इंडस ऑफशोर इनटू द टू जियोलॉजिकल प्रोविंसेस, द बोथ हैव डिफरेंट geological history and both have different petroleum system as well. Petroleum system thoda sa different hai aur in dono jo hamare paas jo provinces discuss kiye hain in dono ke beech mein hamare paas ek thick layer hai shale ki jiski wajah se in dono ke darmiyan koi hydraulic communication bhi nahi hai ki ek हम प्रोविंसेस से अगर हम एक्सप्लोरेशन एक्टिविटी करेंगे उसका असर जो है तो दूसरे पे इतना ज्यादा नहीं पड़ेगा, ठीक है। दैट वाज ऑल अबाउट ऑफशोर इंडस बेसन और इसके फेलियर्स क्या हैं, इसकी जियोलॉजिकल फेजेस क्या हैं, इसकी लोकेशन कहाँ पे है, इसकी टेक्टोनिक जो एलिमेंट्स है वो कौन कौन से हैं, इसकी एक्सप्लोरेशन हिस्ट्री कौन सी क्या है और इसकी स्ट्रेटिग्राफी क्या है। सो हम यहाँ पे ऑफशोर इंडस बेसन को कंप्लीट किया है। अब नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक है वो है मिनरल डिपॉजिट्स ऑफ पाकिस्तान। डू यू हैव एनी क्वेश्चन? हाँ सर। ओके ओके जी, लेट्स टॉक अबाउट मिनरल डिपॉजिट्स ऑफ पाकिस्तान। बेसिकली मिनरल्स की अगर बात की जाए, मिनरल डिपॉजिट्स की, तो हमारे पास देर आर थ्री कैटेगरीज
जिसमें हम इसको डिवाइड कर सकते हैं. वन इज एनर्जी मिनरल रिसोर्सेज, द सेकंड वन इज मेटालिक ओर, एंड द थर्ड वन इज इंडस्ट्रियल मिनरल्स एंड रॉक्स. अब हमारे पास जो एनर्जी मिनरल रिसोर्सेज हैं, दैट इज पेट्रोलियम, कोल एंड रेडियो एक्टिव मिनरल्स. ये वो होते हैं जिनसे जिन विच कैन बी डायरेक्टली यूटिलाइज्ड फॉर द जनरेशन ऑफ एनर्जी, जिनको हम यूज कर सकते हैं. हमने मेनली पेट्रोलियम को भी डिस्कस किया, कोल को भी किया, रेडियो एक्टिव मिनरल्स को भी थोड़ा बहुत जिस फॉर्मेशन में थी हमने उसको साथ साथ में डिस्कस किया है. तो सबसे पहले पेट्रोलियम पे मेरे ख्याल से कम्प्रिहेंसिव बात हो चुकी है. हमारे पास जो सेडिमेंट्री बेसन्स हैं पाकिस्तान के, अपर इंडस बेसन में कोहाट पोटवार जो है, तो यहाँ पे जो एक्सप्लोरेशन है बहुत ज्यादा है. मेरे ख्याल से 1914 से स्टार्ट हुई, बल्कि उससे भी बहुत पहले की है. आपको कुछ मैंने बताया था कि कुछ हमारे पास जो आयल सीपेजेस वगैरह थे वो बहुत पहले हमने डिस्कवर कर लिए थे. तो यानी इसकी जो हिस्ट्री है दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम सब कॉन्टिनेंट, ठीक है. उसके बाद हमारे पास जो पेट्रोलियम एक्टिविटीज थी मेनली अपर इंडस बेसन तक कन्फाइंड थी. देन वी मूव्ड टुवर्ड्स लोअर इंडस बेसन. लोअर इंडस बेसन में हमारी अच्छी खासी डिस्कवरीज हैं. उसके बाद हमने पहले स्ट्रक्चरल ट्रैप्स पे बहुत ज्यादा काम होता था. देन वी मूव टुवर्ड्स स्ट्रेटिग्राफिक ट्रैप्स एज वेल. उसकी वजह से हमारी और भी बहुत सारी एडिशन हुई फील्ड्स में. लेकिन ये है कि काफी टाइम हो गया है कि बहुत ज्यादा कोई मैसिव जो डिस्कवरीज जो शुरू शुरू में जिस तरह सुई की थी, ये माड़ी की थी, इस तरह की डिस्कवरीज अब थोड़ी सी कम हो गई हैं. कुछ पंजाब प्लेटफॉर्म की तरफ आपको मैंने बताया था कि इतना ज्यादा फील्ड साइज भी ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ हम जो है तो इस हवाले से इंकरेजिंग रिजल्ट्स हैं. नेक्स्ट जो हमारे पास जो प्रोलिफिक टारगेट्स हैं, बलूचिस्तान बेसन है, उसके बाद हमारे पास इंडस ऑफशोर का एरिया है. अगर इसमें हमारे पास कोई अच्छी डिस्कवरीज होती हैं तो हमारे पास पाकिस्तान की जो पेट्रोलियम इंडस्ट्री है उसमें एक नया चैप्टर ऐड होगा. उसके बाद हमारे पास अनकन्वेंशनल रिसोर्सेज हैं. अनकन्वेंशनल रिसोर्सेज पे आई विल ट्राई के नेक्स्ट वीक में एक घंटे की प्रेजेंटेशन आपके जो पाकिस्तान के अनकन्वेंशनल रिसोर्सेज, ऑल्दो वी हैव डिस्कस अनकन्वेंशनल रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर, बट आई थिंक उसको रिवाइज करने की एक दफा जरूरत है. सो आई विल ट्राई के मैं उस पर बात कर सकूँ. उसके बाद जो है नेक्स्ट इज कोल. ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है. हमारे पास जो जब भी कहा जाता है तो पाकिस्तान का जो कोल है उसकी जो क्वालिटी है वो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है. मतलब वो हाई क्वालिटी कोल नहीं है, एंथ्रासाइट नहीं है, समवट वो लिग्नाइट वगैरह तक ही कन्फाइंड रहता है. लेकिन चूंकि हमारे पास टर्शियरी की एज में आप देखेंगे कि बहुत सारी कोल की माइंस हैं, वो जहाँ से वो निकल रहा है वो टर्शियरी में है. तो जो अगर एक आपको मैंने बताया था डंडोत वार्षा, शायद मैंने बताया था परमियन कोल बताया था वार्षा सैंडस्टोन का, अगर वहां पे डीप कहीं निकलता है तो मे बी उसकी जो क्वालिटी है क्वालिटी वाइज वो कुड बी ए बेटर. तो एंथ्रासाइट जो होता है दैट इज द बेस्ट क्वालिटी. इसकी हमारे पास डिपेंड करता है मुख्तलिफ किस्म की, इसमें CO2 कितनी है, उसके बाद इसमें हमारे पास ये जो वोलाटाइल्स हैं उनकी कितनी हमारे पास कंसंट्रेशन है, उस पर डिपेंड करती है इसकी क्वालिटी. साल्ट रेंज में कोल है, कुछ माइंस हैं, मकड़वाल कोल फील्ड थी ट्रांस इंडस रेंजेस में, खुशाब डंडोत जो है सेंट्रल और ईस्टर्न साल्ट रेंज में हमारे पास हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अर्ली पैलियोसीन जो हंगू फॉर्मेशन है और लेट पैलियोसीन हमारे पास पटाला फॉर्मेशन है जो कोल जिसमें से निकालते हैं हम लोग, ठीक है. उसके बाद अगर मूव करें नीचे की तरफ तो कोयटा के रीजन में कोयटा जो कोल प्रोविंस है वहां पे हमारे पास गजीज फॉर्मेशन जो ईओसीन एज की है वहां से हम जो निकालते हैं. उसके बाद हैदराबाद की तरफ जो है बाड़ा फॉर्मेशन है, वो पहले भी आपको डिस्कस किया था कि बाड़ा फॉर्मेशन में अच्छा खासा कोल है, वहां से हम निकालते हैं. उसके बाद काला चिट्टा और कुछ चिराट हिल्स हैं जो हमारे पास कुछ ना कुछ जो माइंस वहां पे हैं. तो
बेसिकली हम अर्ली टर्शरी जो टाइम्स हैं वहाँ जितनी भी फॉर्मेशन जितने भी हमारे पास अपर इंडस बेसन की आप देखें तो अर्ली टर्शरी टाइम्स के वो डिपॉजिट्स हैं हमारे पास। अच्छा उसके बाद आ जाते हैं जी हमारे पास रेडियो एक्टिव मिनरल्स, ये भी इम्पॉर्टेंट हैं। कुछ जो हमारे पास जो डेरा गाजी खान की तरफ है नागरी फॉर्मेशन में कुछ हमारे पास रेडियो एक्टिव मिनरल्स आप डॉक्यूमेंटेड है, आप उनको देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास एक और फॉर्मेशन मैंने आपको बताई थी मे बी वर्षा थी या डंडोत थी, इनमें से कोई एक फॉर्मेशन थी जिसमें हमारे पास फॉस्फेटिक नोड्यूल्स से दैट कुड बी द इंडिकेटर ऑफ यूरेनियम मिनरलाइजेशन या यूरेनियम प्रेजेंस, लेकिन वो उसका कन्फर्म नहीं है। उसके बाद बात कर लेते हैं मेटालिक ओर्स की, क्रोमाइट है, क्रोमाइट के बाद हमारे पास आयरन ओर्स हैं, कॉपर ओर्स हैं और एल्युमिनियम या एल्युमिनियस रॉक्स हमारे पास हैं। क्रोमाइट के जो डिपॉजिट्स हैं मुस्लिम बाग इज वन ऑफ दी फेमिलियर जिसमें हमारे पास क्रोमाइट के डिपॉजिट्स हैं। सर ये ऑफिलाइट्स के साथ एसोसिएटेड हैं, वहाँ पे भी हैं और ये जो एरिया है मुस्लिम बाग का, मुस्लिम बाग में ऑफिलाइट्स भी हैं और वहाँ पे क्रोमाइट भी है। उसके बाद हमारे पास कुछ बलूचिस्तान में रास्को रेंजेस वहाँ पे भी क्रोमाइट के डिपॉजिट्स हैं, ठीक है। इसके बाद ऑफिलाइट चूँकि इसकी टेक्टानिक एफिलेशन उसके साथ है और ये भी वो भी जो है प्री ओरोजेनिक जो हमारे पास मैसिव किस्म के एंटीक्लाइन होते हैं उस वक्त डिवेल्प होते हैं हुए हैं उसके साथ है ये एसोसिएटेड है। उसके बाद आयरन ओर्स, आयरन ओर्स पे ये है कि हम अपर इंडस बेसन में भी हैं और हमारे पास लोअर इंडस बेसन में भी है और बलूचिस्तान सॉरी और हमारे पास एक्सियल जो बेल्ट है वहाँ पे भी है। उसके बाद अपर इंडस बेसन में हमने डिस्कस किया था मे बी लंगड़ियाल आयरन ओर, उसके बाद हमारे पास कोई चागी का और रास्को एरिया है, इरप्टिव जोन ऑफ बलूचिस्तान है वहाँ पे भी कुछ हमारे पास आयरन ओर्स हैं। उसके बाद अगर नादरन मंटेन एरिया की बात करें तो चित्राल की तरफ और अपर इंडस बेसन में मरवत रेंज और उसके बाद हमारे पास चिचाली फार्मेशन का आपको बताया था के क्रिटेशियस एज की है और वहाँ उसके बेस में भी है। उसके बाद जो हंगू फॉर्मेशन की बेस पे आपको बताया था कि उसमें कुछ हेमाटाइट लेटराइटिक बेड है और हेमाटाइट के भी कुछ उसमें हराइजन प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद बाकी भी हैं लोअर इंडस बेसन की तरफ आप देखें सलमान रेंजेस वगैरह में रास्को में भी थोड़ा बहुत उसकी प्रेजेंस है। उसके बाद है कापर, कापर ओर्स हैं, कापर ओर्स सैंडक कापर ओर्स हमारे पास एक पॉपुलर है आप उसको देख सकते हैं और भी बहुत सारे एरियाज हैं जिसमें हमारे पास है, ठीक है, सैंडक के अलावा भी। उसके बाद एल्यूमिनियम है, ये भी हमारे पास जो हंगूफ फॉर्मेशन है उसमें भी बक्साइट वगैरह हैं, क्ले मुख्तलिफ किस्म की क्लेज हैं। नेक्स्ट इज मिनरल डिपॉजिट्स हैं हमारे पास जो इंडस्ट्रियल मिनरल्स हैं और रॉक्स हैं जिनको हम यूज करते हैं। लाइमस्टोन को आपको बताया था, स्केसर लाइमस्टोन भी बहुत ज़्यादा है, नीचे लाकपी लाइमस्टोन इसको बहुत ज़्यादा है इंडस्ट्री यूज करती है, डोलोमाइट है, जिप्सम है, एनहाइड्राइट है, रॉक साल्ट है, मार्बल है, क्लेज है, बेंटोनाइट है और बेराइट है। क्लेज वगैरह में भी ये बेंटोनाइट है, चाइना क्ले है, फायर क्ले है, ये सारी चीज़ें हमारे इंडस्ट्री में भी काम आती हैं और इनको हम माइन भी करते हैं फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस। ये एक मैप है जो 2013 आई गेस एक हमें प्रोजेक्ट मिला था जीआईएस पे, आप लोग भी नेक्स्ट जीआईएस में भी पढ़ेंगे। तो ये बेसिकली जो जीएसपी है जलजू के सर्वे ऑफ पाकिस्तान है उसका मैप है, उसको डिजिटाइज किया गया है, ठीक है। तो जब भी हम मैप यूज करते हैं अपने किसी थीसिस वगैरह में तो उसको अगर डिजिटाइज कर लिया जाए तो रेजोल्यूशन इम्प्रूव हो जाती है। तो जब भी आप थीसिस वगैरह में कोई मैप यूज करें किसी असाइनमेंट में करें तो अच्छा जिसकी रेजोल्यूशन बेस्ट हो वो वाला मैप यूज करें,
तो ये मैंने हमारा ग्रुप प्रोजेक्ट था, इसको डिजिटाइज किया है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के जो मिनरल्स हैं उनकी जस्ट जो एक टेंटेटिव लोकेशन है वो मार्क की गई है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि बहुत सारे जो सैंडक वगैरह के एरिया में हमारे पास बहुत सारे मेटेलिक और इंडस्ट्रियल मिनरल्स भी हैं, और हमारे पास जो है तो बाकी ये फ्यूल्स वगैरह का भी लोकेशंस दी गई हैं मुख्तलिफ एरियाज में। ये पंजाब में बहुत कम है, लेकिन यहाँ पे कोल ऑयल गैस की थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, ये वही 2003 में उनका मैप था, तो उसी को डिजिटाइज किया गया है। ऑब्वियसली इसमें वही चीजें होंगी जो उस मैप में थी। उसके बाद क्रोमाइट, मैग्नेटाइट, आयरन और गोल्ड के जहाँ पे प्रेजेंस है, जिस तरह से यहाँ पे थोड़ा सा बताया गया है कि गोल्ड की प्रेजेंस हो सकती है, तो यहाँ पे इसको हाईलाइट किया गया है। बाकी रूबी है, जेमस्टोन जितने भी हैं ये हमारे नॉर्दर्न एरियाज में भी है। ये मुजफ्फराबाद की जो रूबी है दैट इज आल्सो वेरी पॉपुलर। ठीक है, और बहुत सारा यहाँ पे भी काम होता है, इन मिनरल्स वगैरह का एक पूरा डिपार्टमेंट है, दे आर वर्किंग ऑन इट। बट ऑब्वियसली हमें इन एरियाज पे और ज्यादा काम करने की जरूरत है, और जो मिनरल इंडस्ट्री है, मिनरल की जो उसके के लिए आप लोगों को भी काम करने की जरूरत है। ये आप लोगों की भी एक रिसर्च का टॉपिक है कि नाउ इट्स द टाइम टू मूव फ्रॉम ऑयल टू मिनरल्स, तो ये कुड बी अ टॉपिक ऑफ टुमारोज़। ठीक है, अच्छा,